वेलकम टू कुमार प्रिंटर दोस्तों, ये है एप्सन का M2140 मॉडल, जो कि बहुत अच्छा अभी नया प्रिंटर आया है। मेरे एक फ्रेंड ने लिया था ये प्रिंटर जल्दी, तो सोचा मैं आपको भी इसमें दिखाता चलूँ कि क्या क्या आते हैं, फीचर क्या है और कैसे इंस्टॉल होता है। प्रिंटर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका था, तो फिर समझ लीजिए नए जैसे ओपनिंग करने की बात नहीं थी। एक बॉक्स की तो जो बॉक्स आता है, बुक्स वगैरह रहते हैं जिसमें सीडी ड्राइवर ड्राइवर का एक कॉपी रहता है सीडी का, जो कि सारे वर्जन में चलता है, विंडोज़ हो, 10 हो, 7 हो, उसमें सपोर्टेड भी रहता है। एक क्विक स्टार्ट गाइड है कैसे आप अपने प्रिंटर को ओपन करेंगे, उसमें से क्या क्या निकालना है, आपको क्या क्या बॉक्स में मिलता है, जो भी इसमें बेसिक चीज़ें हैं वो इसमें बताई हुई रहती हैं, कहाँ पे ट्रे है वगैरह वगैरह। तो मतलब तो अगर किसी को नहीं भी पता है तो देख के इसमें समझ सकता है इसको कैसे ओपन करना है, कैसे रेडी करना है, और पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, बेसिक सेटिंग के बारे में समझ लीजिए कि मतलब एक स्ट्रक्चर है कि कैसे आपको प्रिंटर रेडी करना है, ओपन करना है, एवरीथिंग। तो अभी हम लोग इसको निकाल रहे हैं, हालांकि ऑलरेडी ये प्रिंटर एक बार रेडी कर चुका है बाय एप्सन इंजीनियर के द्वारा, क्योंकि जब प्रिंटर आया था तो इन लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर किया था इंस्टॉलेशन के लिए, एज इट इज ही पैकिंग वापस से कर दी गई थी। ये है एक डब्बा जिसमें आपको सारे स्पेयर्स मिलते हैं इसके, जैसे कि इंक का बॉटल है, एक बड़ा सा इसका इंक का बॉटल है जो कि ऑलरेडी इसमें हम लोग लगा चुके हैं पहले ही, इंजीनियर आया था। एक पावर कॉर्ड है जो बेसिक पावर कॉर्ड है पहले का, और एक यूएसबी है वो भी पहले का यूएसबी है, क्योंकि वायरलेस प्रिंटर। ये वो इंक का डब्बा है जो कि इसमें ऑलरेडी लग चुका है बड़े साइज का। इसका स्क्रीन वगैरह होम बटन यहाँ पे देखिए ऑन ऑफ का है, ये ओके, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो, ये है रीसेट, स्टॉप, स्टार्ट, ये क्वेश्चन मार्क और ये बैक बटन। यहाँ पे इसका ट्रे, यहाँ पे आपको पेपर रखना है, और यहाँ पे है पेपर जैम वगैरह के लिए, यहाँ से डुप्लेक्सर है, डुप्लेक्सर का कवर है, कभी इनकेस पेपर जैम हो गया तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये एक सेंसर है, इसको ऊपर कीजिए और वापस इसको क्लोज कर दीजिए। इसके बैक साइड ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे पूरा सब कुछ ओल्ड मॉडल के जैसा ही है, स्कैनर का फंक्शन वगैरह। बैक साइड में इसके ये मैनुअल पेपर फीड है, यहाँ से भी आप लेटर हेड वगैरह डाल सकते हैं एक पेपर प्रिंट करने के लिए। इसको पुश करेंगे तो ये बैक साइड का निकलेगा, मान लीजिए कभी यहाँ पे पेपर वगैरह जाम हुआ तो यहाँ से निकालने के लिए। और ये है बैक साइड का यूनिट, इसमें देखिए एक बड़ा सा पिकअप रोलर लगा हुआ है, ऐसे रोलर देख के लगता है कि इसमें पेपर जाम की दिक्कत बहुत कम आने वाली है, क्योंकि ये पहला है प्रिंटर जिसमें इतना बड़ा पिकअप रोलर लगा है एप्सन में। और यहाँ पे है इसका वेस्टेज का टैंक, ये वेस्टेज का मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक स्क्रू है, इसमें माइनस का स्क्रू ड्राइवर लगेगा, इसको हल्का सा ढीला करने के बाद में इस तरफ पुल कीजिए, यहाँ पे एक स्क्रू रहता है जो कि है नहीं,
फिर इसको बाहर की तरफ लेना है। ये इसका वेस्टेज का डब्बा जो कि पूरा चेंज होता है जब जरूरत पड़ेगी, जब ये फुल हो जाएगा तो आपको इंडिकेशन आएगा उसमें। इसको वापस यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, पावर केबल यहाँ पे लगाया है और यूएसबी का स्लॉट वो भी यहीं पे ही है बगल में, ये पावर केबल, ये यूएसबी, ये ऑन बटन है। प्रिंटर रेडी है, आई थिंक इंक ऑलरेडी डाला हुआ था। इसमें थोड़ा सा मोड देख लीजिए, ये स्कैन मोड है, ये मेंटेनेंस है, ये सेटिंग है बेसिक सेटिंग के लिए। इसमें स्पीकर भी है जो कि ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ये कॉपी मोड, वापस से इसको ओके करता हूँ मैं और एक कॉपी निकालता हूँ। आईडी कॉपी इसमें ऑन है जैसे कि आधार वगैरह के लिए, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। और बेसिक सेटिंग है इसकी, देखिए 1:1 साइड, एक्चुअल साइड A4 है और प्लेन पेपर है सेटिंग। और इसमें दिखा रहा है सेटिंग के लिए डाउन एरो प्रेस कीजिए और कॉपी के लिए ये बटन प्रेस कीजिए। अभी मैं कॉपी करता हूँ, मान लीजिए इसका लेते हैं, ये है इसका प्लेटन ग्लास का इमेज। ओके, और प्रेस करते हैं कॉपी। देखिए इसका पेपर यहाँ आगे से निकलता है, यहाँ पे लिख रहा है प्रिंटिंग इज कंप्लीट, ओके टू प्रोसीड। क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्या बात है, एकदम लेजर से कम नहीं है। अब इसको टू साइड निकालते हैं, टू साइड कैसे निकलता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 1:1 साइड, 1:2 साइड। इसको मैं ओके करता हूँ, पोर्ट्रेट रखता हूँ, लैंडस्केप रखता हूँ, लेफ्ट एज ओके, डन। कह रहा है कि सामने की सीट ऊपर रखे ग्लास के ऊपर और स्टार्ट प्रेस कीजिए। स्कैनिंग हो गई, अब दूसरा पेज रखना है पीछे का, जैसे कि देखिए मैं इसको पलट के रखता हूँ, पलट दिया और रख दिया। और यहाँ पे प्लेस सीट टू प्रेस स्टार कॉपी टू प्रिंट प्रेस स्टॉप टू, और स्टॉप कर देंगे तो रुक जाएगा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। कॉपी हो रहा है, अब इसके बाद प्रिंट आउट आएगा। देखिए प्रिंटिंग हो रही है, मतलब ये जब डुप्लेक्स में प्रिंट करता है तो एक बार पेपर अंदर जाता है प्रिंट करने के बाद और वापस से पेपर पलट के दूसरी तरफ कर देता है। ये देखिए, ये फ्रंट पेज हो गया, ये बैक पेज, सेम जैसे HP वगैरह में होता है, पेपर अंदर जाएगा वापस पलट के वापस ब्लैंक पेज ऊपर कर देता है और प्रिंटिंग आ जाती है ऊपर। क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। बॉक्स पे देख लेते हैं क्या क्या है। इसका रिजोल्यूशन देख लीजिए, 1200 से 2400, इसका मतलब है बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी डार्क में। स्कैनिंग का है ये और ये प्रिंटिंग का है, 1200 से 2400, ये भी बहुत अच्छा है।
यहाँ पे देखिए इंक बॉटल है, ये बड़ा वाला है और एक स्मॉल है। स्मॉल में आपको आउटपुट मिलेगा 2000 पेज का और बड़े वाले में मिलेगा आपको 6000 पेज का। सिर्फ यूएसबी कनेक्टिविटी है, वाईफाई वगैरह नहीं है, वो ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या क्या फंक्शन है वो देख लीजिए, प्रिंट, कॉपी, स्कैन, ऑटो टू साइड प्रिंट, मल्टी पेपर इनपुट और एलसीडी जो कि स्क्रीन है। मल्टी पेपर इनपुट से ये हो गया कि मतलब ढेर सारे आप ट्रे रख सकते हैं, ट्रे में पेपर रख सकते हैं। ये है एप्सन का M2140 इको टैंक प्रिंटर। इस तरफ ऑन साइड इंस्टॉलेशन के लिए नंबर दिया गया है, आप इस पे कॉल करके इंस्टॉलेशन करवाने के लिए कॉल लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका सीरियल नंबर है, यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए प्राइस लिखा हुआ है जो कि है 19,899 रुपये, ऑलमोस्ट 20,000। यहाँ पे है प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, जब आप कंप्लेन लॉक करते हैं तो ये सीरियल नंबर लगता है। तो अनबॉक्सिंग का ये छोटा सा वीडियो था, मैं एंड करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।